तो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई लव श्रीवास्तव। आज मैं गाड़ी रिव्यू करने वाला, सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे हुंडई की अभी ब्रांड न्यू अभी लॉन्च हुई है गाड़ी, और ये कलर आपको जल्दी कहीं देखने भी नहीं मिलेगा। और ये कौन सा मॉडल है और इसमें क्या क्या फीचर सारा कंपनी ऑफर करती है, मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं की से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका की है। ये टॉप मॉडल है, एसएक्स ऑप्शनल। इसमें तो इसमें टॉप मॉडल में सारे हुंडई में जो कीज़ मिलते हैं सेम वही कीज़ है इसमें। और इसमें लॉक अनलॉक और ये बूट ओपन करने का अनलॉक करने का बटन है, ये की निकालने का बटन है। अब मैं सामने से स्टार्ट करूँ गाड़ी को, तो यहाँ पे आपको हुंडई में साटन फिनिश में यहाँ पे हुंडई का लोगो मिलता है। उसके नीचे आपको बोल्ड में सारा कैपिटल लेटर में एक्स्ट्रा का बैजिंग मिलता है, जो ये काफ़ी स्पेस दे के लिखा गया है, जो कि लुक काफ़ी मतलब गाड़ी को बढ़िया लुक देता है। और यहाँ पे नीचे में पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे ग्रिल मिलता है, और उसी के साइड में आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, और ऊपर में आपको डीआरएल मिलता है, वो भी एच शेप में, ये देखिए। और उसके नीचे आपको यहाँ पे एयर कर्टन वगैरह मिलता है, और नीचे यहाँ पे डुअल टोन में आपको ये सामने का स्किड प्लेट मिलता है, और यहाँ पे गैप्स है जो कि रेडिएटर ग्रिल का काम करता है, और यहाँ पे भी है। अब मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये साइड प्रोफाइल इसका हुआ, काफ़ी अच्छा लुक है, रेड कलर है, तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको चाम भी देखने को मिल रहा है। आपको डुअल टोन यहाँ पे देखने को मिलेगा, काफ़ी जगह ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का काम भी इसमें किया गया है। साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आप अलॉयज देख सकते हैं, यहाँ पे डुअल टोन में डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं। और अगर टायर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 175/65 R15 का टायर मिलता है, और आपको C8 कंपनी की टायर मिलती है, चारों टायर आपको C8 कंपनी का है। और यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड पे यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। और ये जैसे कि SX ऑप्शनल है, टॉप एंड मॉडल है, तो यहाँ पे आपको ये मिरर पे आपको LED इंडिकेटर भी मिल जाता है। साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में कोई भी आपको सामान नहीं मिलता है यहाँ पे खिड़की वगैरह पे। ऊपर में आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। पीछे सी पिलर पे देखें तो यहाँ पे आपको ये कर्व सा डिज़ाइन दिया गया है जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। और बाकी मैं पीछे का दिखाता हूँ आपको। इसमें ये बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉयलर मिलता है जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। यहाँ पे नीचे पे ही आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिलता है। और ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे साफिन एंटीना आपको मिल जाता है जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। और यहाँ पे SX ऑप्शनल मॉडल है, तो इसमें आपको वाइपर डिफॉगर सारा कुछ मिलता है। और बीच में जैसे कि आपको आगे मैंने दिखाया था, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ही आपको वही कर्व डिज़ाइन में हुंडई के लोगों के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा के बैजिंग, एच शेप में आपको इसमें LED बैकलैम्प मिलता है, और ये आपका पीछे का इंडिकेटर हो गया, ये आपको बैक कैमरा का लाइट हो गया। और कैमरा की बात कर ही रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कैमरा मिल जाता है जो कि आपको नीचे में यहाँ पे हिडन है, और ये आपका नंबर प्लेट का जगह हो गया। पीछे में स्किड प्लेट भी आपको डुअल टोन में मिलता है। ये रिफ्लेक्टर है जो कि नॉन वर्किंग है, इसमें कोई भी लाइट वगैरह नहीं चलता है। अब मैं डोर साइड पे बात करूँ, अगर ड्राइवर डोर साइड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल जो पहले i10 आता था सेम वही डिज़ाइन का डोर आपको यहाँ पे डोर पैनल मिलेगा। सेम कुछ कुछ डिफरेंसेस है जैसे कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें, बाकी चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स, यहाँ पे मिरर एडजस्टमेंट के कंट्रोल, ये लेफ्ट राइट करने का। और यहाँ पे ग्रे में आप देख सकते हैं, एक तरह से ग्रे बोले या ब्लैक बोले, यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। 1 लीटर का बोतल होल्डर है, और थोड़ा सा मैगजीन रखने का भी स्पेस मिलता है। अब मैं अंदर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हाइट एडजस्टेबल सीट्स वगैरह मिल जाते हैं, ये देखिए जी, आपको हाइट 6 वे एडजस्टेबल सीट्स है, हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलता है, सारा इंटीग्रेटेड है। और इसमें देखिए सीट्स में आपको यहाँ पे पाइपिंग वगैरह मिला रहता है। और अगर ड्राइवर साइड पे बात करूँ क्या क्या मिलता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लेदर रैप आपको स्टेयरिंग रैप मतलब मिलता है, लेदर रैप आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है। और यहाँ पे सारा मीडिया कंट्रोल, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, ये सेट रिसेट करने का बटन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंजन स्टार्टर स्टॉप का बटन है, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन हो गया, ये हेडलाइट लेवलर का बटन हो गया, ये आपका 360 में आपको AC का विंड मिल जाता है। और यहाँ पे आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सारा डिजिटल है,
और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करो तो वेन्यू और इसमें सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इवन आपको क्रेटा के लोवेस्ट मॉडल में भी सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें कि सारा कुछ जानकारी आपको मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। और अगर बीच का पैनल की बात करूँ तो सेम आईटीन के जैसा, या इसमें आपको 8.25 इंचेस का टच स्क्रीन मिलता है। यहाँ पे सारा मीडिया कंट्रोल वगैरह इसी में है। और नीचे एसी वेंट्स है, ये आपका हजार्ड लैंप का स्विच है। और नीचे ये आपका एसी का कंट्रोल है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये रियर डिफॉगर का बटन है, ये फ्रंट डिफॉगर का बटन है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है आपको, और साथ में यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग सॉकेट और एक यूएसबी पोर्ट भी मिलता है। और नीचे में आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है। और अगर बात करूँ गियर नॉब की, तो यहाँ पे देखिए क्रोम में आपको गियर नॉब मिलता है। यहाँ पे क्रोम का काम है, दो बॉटल होल्डर मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस। और ये आपका हैंड ब्रेक हो गया, जो कि जिसका टिप आपको क्रोम में मिलता है। और ये आपका सामने का को ड्राइवर साइड का सीट है, उसके सामने का यह स्पेस है। और इसमें आपको नीचे में एसी वेंट्स भी मिलते हैं, इसमें भी मतलब कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है। और सामने की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा आपको डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, जो कि काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। और इस गाड़ी में 6 एयर बैग हैं, तो आपको एयर बैग के बैजिंग्स दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आपको पिलर्स में मिलते हैं और दो सीट्स में मिलते हैं। ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सारा लाइट आपको हैलोजन लाइट में मिलता है। और ये आपका सनरूफ का हो गया बटन, ये आपका सनरूफ हो गया इसमें, जो कि आपको सेम साइज़ का वेन्यू और वरना दोनों में सेम साइज़ का मिलता है, जो कि इतना ओपन होता है। और इसका जो कर्टन है वो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको क्लोज करने के लिए मैनुअली है। और यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट मिलती है। और इधर ड्राइवर को ड्राइवर साइड पे आपको यहाँ पे मिरर मिल जाते हैं, ये आपको ग्रैब हैंडल्स हो गए। और इधर आपको कोई भी मिरर वगैरह नहीं मिलता है ड्राइवर साइड पे, और यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर मिलते हैं। अब मैं आपको पीछे के सीट पे ले चलता हूँ। अगर रियर पैसेंजर के ड्राइवर गेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक हैंडल मिलता है, ये पावर विंडो का कंट्रोल, ये गेट खोलने का कंट्रोल, ये लॉक अनलॉक का कंट्रोल है। साथ में यहाँ पे 1 लीटर बोतल होल्डर है, या स्पीकर ग्रिल है आपका। और पीछे में अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं। और मैं बैठ कर दिखाता हूँ कि अंदर स्पेस वगैरह कैसा है। तो मैंने अभी आगे का सीट अपने हाइट अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, फिर भी मेरे को काफ़ी अच्छा यहाँ पे लेग स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे एसी की बात करूँ तो पीछे भी आपको एसी मिलता है, साथ में यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है। और ये आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं एसी को। बीच में थोड़ा सा बम्प है, जो कि काफ़ी बड़ा ज़्यादा नहीं है। और पीछे भी आपको लाइट्स वगैरह मिलते हैं, ये देखिए लाइट। और इधर आपको ग्रैब हैंडल्स, इधर आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको हुक भी है, बाकी किसी में आपको हुक नहीं मिलता है, बस ये आपको ड्राइवर साइड के पीछे वाले पैसेंजर सीट पे आपको सिर्फ ये हुक मिलता है। और वैसे ओवरऑल गाड़ी बहुत बढ़िया है, 1200 सीसी का इंजन इसमें मिलता है आपको। और अगर पीछे से बात करूँ डैशबोर्ड की, तो ये देखिए कैसा लगता है वो, ये आप देख सकते हैं। ये गाड़ी परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो ये काफ़ी सही होता है। अगर आपका मिल आपके फैमिली में 5 जन हैं 4 जन हैं, तो काफ़ी आप मन बना सकते हैं इस गाड़ी को लेने का। बजट फ्रेंडली भी गाड़ी है, आपको अलॉय व्हील वगैरह भी मिल जाते हैं इस गाड़ी में। बाकी आपको गाड़ी की वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं इधर आपको ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ, ये साइड से रेड कलर में काफ़ी ये जचती है गाड़ी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।